किसी को ना कोई मतलब नहीं। सिवाय एक के, यशवंत निकोस से। पब्लिक वर्क्स मंत्रालय में क्लर्क की हैसियत से काम करने वाली की जिंदगी में अगर कोई शौक था तो वो था थिएटर। उसे अवश्य ही किसी ऊंचे अहदे की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी कड़ी मेहनत और लगन से गुजार दी। मगर वो अपने शौक को मार नहीं सका, इसीलिए उसने उस दिन थिएटर की सबसे अच्छी सीटों की दो टिकटें ली। और तकदीर की बात है जनाब कि उस दिन उसके विभाग के माननीय मंत्री भी वहां पहुंचे। नमस्कार सर, मैं यशवंत निको से। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है आप यहाँ पधारे सर। सर मैं भी आपकी तरह पब्लिक पार्क्स मंत्रालय में काम करता हूँ, मेरा मतलब है आपकी सेवा करता हूँ सर, जो खुद इस विभाग के मंत्री हैं। सर मैं पेड़ और झाड़ी विभाग में सहायक क्लर्क हूँ। इस साल पेड़ और झाड़ियाँ काफी अच्छी हुई है, अपने काम को बरकरार रखो। धन्यवाद सर। सर मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, ये मेरी पत्नी शालिनी निकोसे और मैं इसका पति यशवंत निकोसे। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सर मुझे उम्मीद है आपको नाटक अच्छा लग रहा होगा। हाँ अगर देख पाया तो। यशवंत अपने आप में खुश था कि उसने इस मौके का अच्छा फायदा उठाया। अब आराम से इत्मीनान से नाटक देखने लगता है। अब वो पब्लिक पार्क मंत्री के लिए कोई अजनबी नहीं था। अगर इस घटना को मोटे तौर पर देखा जाए तो वो अब एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह यशवंत ने अपना सिर ऊपर किया। यशवंत उस हादसे को भूल नहीं पा रहा था। एक दो कौड़ी की मामूली सी छींक ने उसके दिमाग में बवंडर बचा दिया। यशवंत ने उस हादसे को धीमी गति से फिर दोहराया। सर। हाँ कौन? अरे ये तो वही है जिसने आपके ऊपर छींका था। नहीं नहीं मैडम, मैं दोबारा नहीं छींकने जा रहा। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि आप इस भीगे सिर में बाहर कैसे जाएंगे। सुनो वो तो एक मामूली सी बात थी, उसे भूल जाओ। ये बताओ तुम्हें नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। कौन सा सीन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जी वो सीन जब मैंने आपके ऊपर छींका था। देखो वो एक हादसा था, उसे भूल जाओ। लगता है बारिश होने वाली है, हमें चलना चाहिए। मैं अपना सिर दोबारा गीला नहीं करवाना चाहता। चलो। तुम्हें लोगों को अपने ऊपर छींकने नहीं देना चाहिए। तुम क्या कोई छींकने की चीज हो? मैंने क्या जान बूझ के उसे छींकने को कहा था? तुम भी ना, चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पीछे दौड़ना है। धन्यवाद सर। अब वो मुझे इस विभाग से निकाल कर झाड़ियों के विभाग में भेज देंगे। चलो यशवंत। क्या? तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो एक मामूली सी छींक थी। मंत्री जी शायद अब तक उसे भूल भी गए होंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं मुझे भी डर लग रहा है। दोनों दुखी होकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही मुझे उन्हें एक अच्छा तोहफा देना चाहिए, जैसे कि टर्किश चावल या फिर पश्मीना शाल। यशवंत को अपना करियर खत्म सा लगने लगा था। मैं उधर गया थिएटर गया ही क्यों मैं? और अगर गया भी तो अपने जैसों के साथ बालकनी की सीट पर क्यों नहीं बैठा? वहां तो लोग एक दूसरे के ऊपर छींकना पसंद करते हैं। सो जाओ यशवंत। नहीं, अगर मैं मंत्री जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूं तो उनके पास मुझे माफ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, तुम्हें मंत्री जी को उस छींक के बारे में फिर याद नहीं दिलाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मुझे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो उसकी तरह व्यवहार भी करना पड़ेगा। सवेरा हुआ, उस दिन मंत्री लोगों की दरख्वास्त सुन रहे थे, क्योंकि यशवंत से पहले 50-60 पिटिशनर और थे, इसलिए यशवंत को इंतजार करते 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 सुबह से दोपहर हो गई। नेक्स्ट जी मैं हूँ अंतिम।
अच्छा अच्छा अंतिम बताओ क्या दरख्वास्त है तुम्हारी। मेरी कोई दरख्वास्त नहीं है हुजूर, मैं पिटिशनर नहीं हूँ। अच्छा तो तुम मेरा समय बर्बाद करने आए हो। नहीं नहीं सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम कल उस धमाके। अच्छा सर, मैं तो आपसे बस इतना कहने आया था कि उस चीख के पीछे कोई भी राजनीति का असामाजिक कारण नहीं था। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन नाक मेरे चेहरे पर बस। मुझे इससे सख्त नफरत है, इसकी गलतियों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ सर। आप चाहे तो मेरी नाक को देश निकाला देते, लेकिन अपनी दया दृष्टि को मुझ पर से ना हटाए सर। देखो मैं तुम्हारी नाक पर गुस्सा नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी नाक की प्रॉब्लम सुनने का मेरे पास समय है। मेरी राय मानो तो घर जाके ठंडे या गर्म पानी से नहा लो, कुछ भी करो पर मुझे परेशान मत करो। बकवास, और दिन भर यही सुनता रहा मैं। धन्यवाद सर, भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। यशवंत के कंधों से काफी बड़ा बोझ उतर गया। आप जिस जगह बैठते हैं मैं उसकी पूजा करता हूँ, आप जिस राह चलते मैं उसकी धूल अपने माथे पर लगाता हूँ। यशवंत गुनगुनाता सीटी बजाता घर की ओर चल दिया, जिंदगी अब उसे स्वर्ग की तरह लगने लगी। घर पहुंच कर यशवंत सोचने लगा, लेकिन फिर भी क्या मुझे भद्दे मजाक का पात्र बना दिया? क्या मंत्री ने उसे उल्लू बेवकूफ बनाया था? अगर उसे मुझे कोई सजा नहीं देनी थी तो उसने मुझे इतने बेरहमी से तड़पाया क्यों? अगर उस मंत्री को उस चीख की कोई परवाह ही नहीं थी तो उसने यशवंत की रातों की नींद हराम क्यों कर दी? यशवंत गुस्से में था। मुझे गुस्सा आ रहा है, रात भर गुस्से में इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर टहलता रहा। फौज बहुत ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, शालिनी 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 शालिनी। क्या हुआ यशवंत? उसने मेरी बेइज्जती की है। तुम तो इतने भले इंसान हो, तुम्हारी बेइज्जती कौन कर सकता है? कौन? मैं बताता हूँ, मंत्री, पब्लिक पार्स का मंत्री। उसने क्या किया? सुअर, उसने मुझे इस कदर तड़पाया कि मुझे पता ही नहीं चला। उसकी चालाकी उसकी क्रूरता से कम नहीं है। उसने मुझे इस कदर मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस जाकर उसके पैरों में गिर कर उससे माफी मांगू। तो क्या तुम इस कदर मजबूर हो गए थे? नहीं, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। छोटे तबके के लोगों को बोलना पड़ेगा कि दुनिया इतनी सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ हर देश हर वर्ग के लोगों को अपने सुपीरियर के ऊपर छींकने की आजादी हो। ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल होना चाहिए। मैं उसे उसके औकात दिखा दूंगा। और इस तरह वो पहुंचा मंत्री के दफ्तर उसे उसकी औकात बताने। कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना हुजूर, गौर से देखिए मेरे चेहरे को। तुम परेशान हो? यशवंत हुजूर, मैं वापस आ गया बिना किसी घर में ठंडे पानी से नहाए। किसने घुसने दिया इस गंदे आदमी को अंदर? क्या बात है? क्या बात है? आप उस टेबल के पीछे बैठ कर पूछते हैं कि क्या बात है? पार्स मंत्रालय के ऊंच अहदे पर बैठ कर पूछते हैं कि क्या बात? मुझ जैसे सरकारी नौकर से पूछते हैं कि क्या बात? जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में बराबरी नहीं है। यहाँ सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा करवाने वाले लोग। हम जैसे जो झुक कर सलामी देते हैं और आप जैसे लोग जो सलामी लेते हैं। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जो हमें बेइज्जत कर जाती, और वो जो हमें बेइज्जत करवाती है फिर भी आप पूछते हैं कि क्या बात है? वहां खड़े होकर बकवास मत करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे फिर एक बार उस चीख के लिए माफी चाहता हूँ। शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया, वो एक हादसा था। निकल जाओ न्यू बेवकूफ गधे कहेंगे। तुम मुझे या दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? बीमारी फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े, तुम कीड़े से भी पत्थर हो। चट्टे के रिश्तेदार और खटमल के दामाद, तुम कुछ भी नहीं हो समझे? कुछ भी नहीं। यशवंत के अंदर से कुछ टूट सा गया, कुछ कुछ निकल सके, शायद उसे जान भी कह सकते। यशवंत उठा, घर गया, बेड पर बैठा और मर गया। मेरे पास एक और विकल्प है इस कहानी का। हाँ,
यशवंत उठा, घर गया, बेड पर बैठा और तभी यशवंत, अरे यशवंत हमारी 10 करोड़ की बैटरी लगी है, 10 करोड़ की। पर हमारे बीच यहाँ बैठा हुआ है हाँ। और उसने उस मंत्री को अपनी घर नौकरी पर रख लिया और रोज उस पे 10 छक्के लगाता है। कोई तुम नहीं बनता।